बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी मेरा डाइट ब्रेकफास्ट। तो जब मैं डाइट में बोर हो जाती थी एक तरह के ऑमलेट से, अंडों से वगैरह, तो मैं ये वाला ज़रूर बनाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप नाइट में भी ये खा सकते हो, आप सुबह भी खा सकते हो, दोपहर को भी। और ये ओट का ब्रेकफास्ट मुझे बहुत ही पसंद है। चलिए जी, मैं मज़ेदार सी रेसिपी आप सबसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स में एक बनाना लिया, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे बनाना पसंद है सो मैंने बनाना लिया। साथ ही ये वाला ओट्स लिया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये प्यारा सा पतीला, सबसे पहले मैंने एक कप पानी डाला, एक कप नहीं सॉरी हाफ ग्लास, और उसके मुताबिक मैंने और डाले जितने मुझे खाने थे। तो यहाँ पर मैंने और से ऐड किए और इसको साथ साथ मिक्स किया। लो फ्लेम पे मैंने रखा था ताकि मेरे जो और से वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर जो मेरे और से थोड़े बहुत पक गए थे, बट फिर मैंने फिर भी उसको थोड़ी देर के लिए रखा ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए रखा। और जैसे ही आप चूल्हा ऑफ कर दें उसके बाद आपने मिल्क ऐड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं किया इसलिए बता रही हूँ। मैंने इसलिए नहीं किया, मैं ट्राई कर रही थी कि विदाउट मिल्क कैसे बनते हैं, बट है विदाउट मिल्क बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते मेरे नज़र में। सो आप जो है आप मिल्क ऐड करें इस मोमेंट। और यहाँ पर मैंने बनाना कट करके रखा हुआ था, साथ ही डेट्स मैंने थोड़े से ज़्यादा रखे थे क्योंकि शुगर तो डाल नहीं सकते, डाइट पर हूँ। तो डेट्स के शुगर में हमने थोड़ा सा शुगर लिया, और साथ ही जो है इसके ऊपर आप हनी डाल सकते हैं, चूँकि अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। आप लोग ज़रूर डालें, उससे टेस्ट का जवाब आता है। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी। डाइट वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, और जो परांठे खाते हैं उनको तो पता है, उनको तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बट हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।